खूबसूरत सा मौसम के साथ ही आज का इस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस हित लोक उजागर। तो गाइस इस बुक में सबसे पहला चैप्टर जो है वह है अब दाल चावल बनाया हमने कढ़ाई और कुकर में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। सो गाइज, आज का मौसम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हो रखा है। मतलब आज सुबह थोड़ी सी हल्की सी धूप हुई थी और उसके बाद फिर ऐसा बादल जैसा लग गया। तो आज का मौसम देख सकते हैं। सो गाइज, अभी दोपहर का 1 बज चुका है और अभी दिन का लंच भी रेडी हो चुका है और सुबह मंजू सरिता गाय और बकरियां चराने ले गई थी तो वो भी आ गई थी और खाना भी रेडी हो चुका है तो अभी हम खाना खाएंगे। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है अभी उतनी आज सुबह से बारिश नहीं हुई थी तो अब बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। अभी हल्की हल्की हो रही है तो अभी आपको दिखाऊंगा, जब बारिश हो जाएगी तो फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ का नज़ारा। गाइस, सामने मंजू यहाँ पर अभी कपड़े धो रही है और इधर हमारे 2 बैल हैं, सुबह चरने गए थे। सो गाइस, जो हम दिन का खाना बनाते हैं वो बनाते हैं हम यहाँ अंदर गोठ में और चूल्हे में बनाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाया जाता है। गाइस, ये रहा चूल्हा, तो इसी में हम खाना बनाते हैं गाँव में, और यही लकड़ियाँ, तो इन लकड़ियों से बनाया जाता है खाना इसमें। तो दूसरे दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो गाइज, मैं दिल्ली से लाया था एक बुक, ये वाली बुक है जिसमें लिखा है लक्ष्य। तो इसे मैं दिल्ली से लाया था 185 रुपये का। तो इसमें मुझे काफ़ी बातें सीखने को मिलती है, मतलब इसे पढ़ता हूँ मैं, अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें से पढ़ के आपको दिखाऊँगा। ये है, उम्मीद से पहले पाएँ हर मनचाही चीज़। तो मतलब इसमें काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी टाइप की है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको सुनाऊंगा कि इसमें क्या क्या है। तो गाइज, इस बुक में सबसे पहला चैप्टर जो है वह है अपनी संभावना का ताला खोलें। ये है इसमें, अपनी संभावना का ताला खोलें। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाऊंगा क्योंकि इसमें क्या क्या लिखा है। पहला चैप्टर में लिखा है, आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है, उस नए महाद्वीप की तरह है जिसे खोजा नहीं गया है। संभावनाओं की पूरी दुनिया मुक्त होने और महान काम करने के लिए मार्गदर्शन का इंतज़ार कर रही है। इसमें सफलता का मतलब बताया गया है। तो सफलता का मतलब लक्ष्य है और बाकी सारी चीज़ें कमेंट्री है। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वे हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य तय करने की आपकी क्षमता ही सफलता की सबसे प्रमुख योग्यता है। लक्ष्य आपके सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलते हैं और मंजिल तक पहुंचने वाले मददगार विचारों तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। तो धीरे धीरे आपको ब्लॉग के माध्यम से और इस बुक के बारे में आपको बताते रहूँगा। मुझे यकीन है कि 4 कारणों से लोग अपना लक्ष्य तय नहीं करते। पहला कारण है, वे लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते, वे जानते ही नहीं है कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। और तीसरा है, वे असफलता से डरते हैं। और चौथा है, उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और आज मैं इस पुस्तक को इतना ही पढ़ता हूं। तो गाइज, बारिश स्टार्ट हो गई है। मैंने अभी बोला था कि अभी बारिश आने वाली है लेकिन बारिश आ ही चुकी है। अब देख सकते हैं, ये आप बारिश देख सकते हैं, बारिश ये। तो गाइज, खाना रेडी हो चुका है, अब मैं खाना खा रहा हूँ। तो अभी मैंने खाना नहीं खाया, अभी खाना खा रहा हूँ। पर अभी किसी ने खाना नहीं खाया तो अब हम खाना खा रहे हैं। तो आज हमने बनाया है दाल चावल, वही दिखाता हूँ आपको। तो गाइज, ये देख सकते हैं सरिता ने बनाया है दाल चावल। ये देखो, दाल चावल बनाया है। तो दाल चावल बनाया हमने कढ़ाई और कुकर में। तो चलिए, हम अभी खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। तो गाइज, मैंने खाना वाना खा लिया है और बारिश, अभी बारिश हो रही थी और अब बारिश बंद होगी, थोड़ी सी हुई थी हल्की सी। और ये देख सकते हैं कोहरा लग चुका है, ये सामने आप देख सकते हैं पूरा तरफ, इधर कोहरा लग चुका है, इधर भी, और पूरा साइड कोहरा ही कोहरा है और काफ़ी शानदार लग रहा है कोहरे में भी, ये आप देख सकते हैं। तो गाइज, मौसम हो गया काफ़ी शानदार, ये आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ कोहरे कोहरा लग चुका है। ये देख सकते हैं पूरा जन्नत है, जन्नत। और गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बच्चिया, ये इसका पेट भर गया, घास दिया था इनको। और हमारी बकरी इधर चल रही है, बकरी के छोटे छोटे पाठी हैं जो ले ले छो छो। परवीन, आजा नीचे आजा,
कहाँ भाग रहा ऊपर को। ये गाइस प्रवीण आ चुका है। पहाड़ ठंडो पानी सुन खटी मीठी बाणी, सुने नी लागे नी होए होए, सुने नी लागे नी। पहाड़ में हिमालया वहाँ देव तरौनी, देवी देवा वासा कनी, देवा भूमि कौनी। आज अभी शाम के 5:30 हैं और ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अभी जैकेट पहनने का मन कर रहा है तो मेरा जैकेट यहाँ पर ही है, तो अभी थोड़ी देर में मैं जैकेट पहनूंगा। कोहरा देख सकते हैं एकदम वाइट वाइट हो गया चारों तरफ, बिल्कुल एकदम वाइट वाइट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश हित लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडन कुचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जन उसांजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुनी आती चातुर, राम काज करे बेको आतुर, प्रभु चरित सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी सी यही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, राम चंद्र के काज सवारे। बोलो श्री राम चंद्र की जय। पहाड़ ठंडो पानी सुन खटी मीठी बाणी, सुने नी लागे नी हे हे, सुने नी लागे नी। पहाड़ में हिमालया वहाँ देव तरौनी, देवी देवा वास कनी, देवा भूमि कौनी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभो, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, नमन्ति फलनो वृक्षा, नमन्ति गुणनो जनः, सूक्ष्म वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमिता, विष्णुञ्च मूर्खाणा निर्दया कलहिन्वा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश हित लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रघु मरघु मरघु मरघुम घूम 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 फास्ट 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 फास्ट। चौमासा का हरियो परियो पानी की बोछारा, गाइस देखो काफी एकदम कोहरे कोहरे चार उत्तर भी देख सकते हैं, पड़म पेश हो गया है। आम का पेड़ भी साफ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है प्रवीण? आम का पेड़ साफ दिख रहा है ना? तो गाइज आम का पेड़ देखो धुंधला धुंधला दिख रहा है और कोहरा काफी ज्यादा लग चुका है। ये देख सकते हैं सामने उधर खेत के उधर पेड़ हैं, वो भी साफ नहीं दिख रहे हैं और एकदम मस्त सा मौसम हो गया गाइज। ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम झकास। दिस इज माय उत्तराखंड, आई लव माय उत्तराखंड। क्या क्या बात रखो, ये देख सकते हैं ये और ये कितनी प्यारी हैं। खूबसूरत सा मौसम के साथ ही आज का इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।